हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तीन पॉइंट्स के विषय में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल साइंस, नेचर ऑफ सोशल साइंस, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उसके समुदायों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मनुष्यों तथा उसके समुदायों का अध्ययन किया जाता है। यह वह अध्ययन है जो छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा होते हैं तथा विकसित हुए हैं, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि मानव जीवन का अध्ययन एक तरह से सामाजिक अध्ययन के ज्ञान के या फिर ज्ञान के उस क्षेत्र का नाम है सामाजिक अध्ययन, जिसमें मनुष्य के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में जेम्स हेमिंग ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है। सामाजिक अध्ययन में प्रमुख रूप से इन प्रसंगों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य में या मनुष्य ने अतीत तथा वर्तमान में अपने वातावरण से किस प्रकार संघर्ष किया, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया तथा उसने अपने संसाधनों या विकास तथा सभ्यता की आवश्यकता या एकता को किस प्रकार से प्राप्त किया। तो कहने का यहाँ पर यही तात्पर्य होता है, छात्र छात्राएं भी समाज का ही अंग हैं, अतः छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा हुए हैं तथा विकसित हुए हैं। इस तथ्य को समझने में सहायता प्रदान करता है कि सामाजिक अध्ययन की आज का मानव संपूर्ण विश्व में आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रभावशील है। ये अध्ययन इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि मानव स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक साथ मिलकर जीवन यापन तथा कार्य करता है। यह मनुष्य तथा उसके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करता है, साथ ही इसके क्षेत्र में सामाजिक तथा अन्य प्रकार के पर्यावरणों का अध्ययन भी निहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अन्य पर्यावरण है वह भी इसमें समाहित हैं। यह सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास की समझदारी है। यह आधुनिक विश्व एवं सभ्यता को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह छात्रों की सामाजिक समस्याएं होती हैं समझने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि सामाजिक और भौतिक वातावरण की समझ इसी विषय द्वारा प्राप्त होती है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जाता है। इसकी पुष्टि में हम एम पी मुफाद के शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा समसामयिक कहें जीवन से प्राप्त करता है। सोशल स्टडीज में भी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज Done from the social sciences and contemporary life for instructional purpose in aiding youth to understand the growth of modern civilization. सामाजिक अध्ययन में केवल विषयों का योग ही निहित नहीं है, बल्कि यह एकीकृत आयाम है। यह मानवीय संबंधों पर बल देता है, क्योंकि व्यक्तियों का एक दूसरे से संबंध रहता है। सामाजिक अध्ययन इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि हमारे दैनिक जीवन पर विश्व की घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ा है अब तक। यह वह अध्ययन है जिसमें अतीत तथा वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाले मामलों या समस्याओं तथा प्रारूपों पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। यह वह अध्ययन है जिसमें समग्र ज्ञान के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक जीवन तथा उसकी परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देता है।
सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन की कठोरता को समाप्त करके ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिकता के विकास में सहायता प्रदान करके लोकतंत्र को सफल तथा सुरक्षित बनाने में सहायक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे नेचर ऑफ सोशल साइंस। भारत में इन इंडिया आगे लगा लेते हैं नेचर ऑफ सोशल स्टडीज इन इंडिया सोशल साइंस स्टडीज दोनों ही बोल सकते हैं। इसके लिए भारत में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात मदालियर आयोग को इस विषय के प्रतिपादन का श्रेय है श्रेय जाता है। इस आयोग ने सामाजिक अध्ययन के एक स्वरूप पर बल दिया है। इसके स्वरूप के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र नागरिकशास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। इस एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित करा सके। आयोग ने लिखा है कि सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत परिवार समुदाय राज्य तथा राष्ट्र के पर्यावरणों को स्थान प्राप्त हो जिससे छात्र उन सामाजिक शक्तियों एवं आंदोलनों के विषय में भी जान सकें जिसमें वे रहते हैं। आयोग के प्रभाव पर इस विषय को भारतीय विद्यालयों की पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान किया गया है। प्रारंभ में इसके इतिहास भूगोल तथा नागरिकशास्त्र के गणितीय योग मात्र के रूप में ग्रहण किया गया परंतु अब इसके एकीकृत स्वरूप को ग्रहण करने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारें महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। आशा की जाती है कि हम निकट भविष्य में सामाजिक अध्ययन को उसकी नवीन धारणा के अनुसार ग्रहण करने में सफल हो सकेंगे क्योंकि इसमें आधुनिक दृष्टिकोण समाहित रहता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले आधुनिक दृष्टिकोणों का एक पक्ष है ऐसे कि ऐसा के बोल सकते हैं। हम अपने कथन की पुष्टि कोलेस्टर के शब्दों में कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का ऐसा अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों वृत्तियों आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना है। सोशल स्टडीज आर पार्ट ऑफ द मॉडर्न अप्रोच टू एजुकेशन द एम ऑफ विच इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एटीट्यूड्स आइडियल एंड इंटरेस्ट रेदर देन द एक्युमुलेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन के घटक। सामाजिक अध्ययन एक विशाल किंतु विशिष्ट शब्द है जिसकी प्रकृति विशाल है। यही कारण है कि सामाजिक अध्ययन को विद्यालयी पाठ्यक्रम में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। यह सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बने लगभग 40 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक अध्यापक इसे विभिन्न विषयों का एकीकरण मानते हैं। अध्यापक ने पढ़ाते समय इतिहास तथा भूगोल को भिन्न भिन्न विषय के रूप में पढ़ाने या पढ़ाते हैं ये कहा जाए यानी एकीकरण की तरह माना जाता है। उन्हें कभी भी सामाजिक तथा भूगोल को भिन्न भिन्न विषय के रूप में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्हें सामाजिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित करके नहीं पढ़ाते यानी कहने का तात्पर्य ये है कि संबंधित करके एक रूप करके पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा नहीं करते। भूगोल का अलग पार्ट पढ़ा दिया जाता है इतिहास का अलग पार्ट पढ़ा दिया जाता है तो सामाजिक अध्ययन जैसी भावनाएं उसमें नहीं आ पाती हैं। इसी प्रकार एक धारणा ये भी है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है जो कि सत्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का मिश्रण नहीं अपितु एक अलग विषय है जो मानवीय संबंधों तथा वातावरण के सामंजस्य की जानकारी देता है। ये लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करता है देश प्रेम की भावना को विकसित करता है
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को भी विकसित करता है। यह एक स्वतंत्र विषय है ऐसा कहना उचित रहता है। सामाजिक अध्ययन शब्द दो शब्दों के मेल से सामाजिक प्लस अध्ययन से बना है। इसमें कभी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे तात्पर्य है समाज का समाज के लिए समाज द्वारा अध्ययन अर्थात समाज संबंधी संस्थाओं व संगठनों के लिए समाज द्वारा अध्ययन अर्थात समाज संबंध सभी संस्थाओं व संगठनों का अध्ययन जिसमें समाज की प्रगति होती है विकास होता है। अध्ययन शब्द से तात्पर्य है प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जीवन में अपनाना या प्रयुक्त करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन मानव के सभी दृष्टिकोणों से संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसके या फिर इसे मानव सभ्यता के विकास की श्रृंखला समझी जाती है। इसका स्वरूप जटिल तथा विशाल है। इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं व संगठनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। ये मानव जीवन के भूतकालीन वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करता है या करवाता है। इसमें सभी विषय राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र अर्थशास्त्र इतिहास भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार एक एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय है सामाजिक अध्ययन जिसकी सामग्री मानव ज्ञान एवं अनुभवों पर विशेष रूप से आधारित है ऐसा कहा जा सकता है और वास्तव में ये यथार्थता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडीज नेचर ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडीज कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्टडीज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।